तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए एफ डबल डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड एफ वन एफ डैश वन और इसकी वैल्यू दी है फाइंड दिस, ये डबल डैश है ठीक है। तो देखो जल्दी से, बिल्कुल ईजी है, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में किया बिल्कुल वही चीज़ है ठीक है। कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ये एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका डबल इंटीग्रेशन ठीक है, फिर प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज टू और इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन। ऑल राइट बच्चों, यही होता है, फिर बाद में जाके कहीं हम लिमिट अप्लाई कर देंगे दैट इज जीरो से वन, नो प्रॉब्लम। तो देखिए ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स टू एक्स, इसका क्या आएगा, इसके दो डबल इंटीग्रेशन, तो ऑब्वियसली एफ एक्स, इसका दो बार तो एफ एक्स हो जाएगा, तीसरी बार में मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, सही है ना, दो बार इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ एक्स, और फिर थर्ड टाइम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं पता है क्या लिखना है। ऑल राइट, चलिए जीरो से वन, जीरो से वन लिमिट लगाओ, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान से, इंटू एफ डैश एक्स माइनस टू एक्स एफ एक्स, इसे ले लो जीरो से वन में और इस पे ऐसे लगा दो जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स, बात सेम ही है ठीक है। अब ये जब इसमें लगानी है इसका तो आंसर मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसे एज इट इज दे दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, यस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन अंदर है तो ये लिमिट इंटीग्रेशन को पकड़ा दो, कोई टेंशन नहीं है। ऑल राइट, चलिए अब वन पुट कर दो इसमें, एक्स स्क्वायर एफ डैश वन माइनस टू एक्स एफ वन, फिर माइनस जीरो पुट करोगे तो ये जीरो ही बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ऑल राइट, टू टाइम्स ऑफ क्या, जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स ठीक है, ये वन हो जाएगा यहाँ पे, एक्स थोड़े ही आएगा, एक्स की जगह तो वन आ रहा है ठीक है। तो एफ डैश वन माइनस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन, एफ डैश वन इज टू, इज टू माइनस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन इज थ्री, और ये तो जीरो हो गया और ये आ गया प्लस टू टाइम्स ऑफ दिस दैट इज फाइव। तो बच्चों ये आ गया टू माइनस सिक्स प्लस टेन ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस फोर और ये हो गया सिक्स ठीक है, तो आंसर इज सिक्स बच्चों, वेरी इजी। ऑल राइट, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, बहुत बेसिक्स हैं, बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन ठीक, तो जल्दी से इसको उतार लें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी, ये देखिए ये क्या लिखा है, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई, अब यहां पे क्या है, इसे ऐसे ले लो वन प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस वन माइनस एक्स साइन एक्स, तो नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ऐसे जीरो से टू पाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स, या कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो, जिस सीक्वेंस में ऊपर है उसी में, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स और ये साइन एक्स, इन्हें एक साथ ले लिया ठीक है, एंड जीरो से टू पाई एक्स वालों को एक साथ ले लिया, दैट इज एक्स टाइम्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स बच्चों, सही है ठीक है। अब देखो जल्दी से, जीरो से टू पाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन मतलब रूट टू टाइम्स ऑफ, रूट टू टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स डी एक्स, और इसको लिख सकता हूं एक्स साइन की फॉर्म में लिख रहा हूं पाई बाय फोर माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर बच्चों ठीक है, यहां तक तो मैं काम कर सकता हूं ये। अब इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लेता हूं ठीक, कैसे है देखो भाई, साइन का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस, तो ये आ गया रूट टू टाइम्स ऑफ कॉस, सॉरी माइनस भी आएगा ना, तो माइनस ऑफ कॉस, तो माइनस यहां पे ले लिया मैंने, कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स और जीरो से टू पाई, ये आ गई लिमिट ठीक है, प्लस अब यहां पे तुम्हें पता चल रहा है ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हमें यूज करना चाहिए क्या, बाय पार्ट्स, तो इसका पहले डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, एक्स टू एज इट इज, और इसका आना चाहिए साइन का क्या होता है माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस माइनस कॉस प्लस कॉस बना लेगा,
अगर दिक्कत है तो भाई अपने हिसाब से करके देख लेना, माइनस पाई बाई फोर, ओ सॉरी पाई बाई फोर माइनस एक्स को टी लेट कर लेना, उसके बाद करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, दिस एंड माइनस, ये चलो लिमिट बाद में लगाएंगे, जीरो से जो भी है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स का क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन, दैट इज वन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाई फोर माइनस एक्स डी एक्स। ऑल राइट गाइज, ठीक है तो इसे कंप्लीट कर लेंगे, उससे पहले इसे इतने को सॉल्व कर लो, इस पूरे को कर सकता हूं मैं जीरो से टू पाई में सॉल्व, या चलो एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, लेकिन यहां पे क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाई बाय फोर माइनस एक्स, और इस पूरे पे लगेगा अब जीरो से टू पाई, ये पूरा जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले टू पाई इसमें डालते हैं, तो माइनस रूट टू क्या आएगा, कॉस टू पाई प्लस पाई बाय फोर, दैट इज कॉस पाई बाय फोर एंड वन अपॉन रूट टू, चलो प्लस यहां पे कितना आएगा टू पाई, और यहां पे है टू पाई माइनस पाई बाय फोर, पॉजिटिव ही होता है, कॉस पाई बाय फोर दैट इज वन अपॉन रूट टू, क्लियर है, ओके। एंड इसमें क्या आएगा टू पाई, तो इसमें आएगा टू पाई, अगर मैं माइनस को बाहर ले लूं तो आएगा टू पाई माइनस पाई बाय फोर, और माइनस माइनस फिर से प्लस, बात सही है क्या, 2 पाई माइनस पाई बाय फोर क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय फोर, दैट इज माइनस ऑफ साइन पाई बाय फोर, क्लियर, तो ये प्लस ही रहेगा और ये आ जाएगा वन अपॉन रूट टू, ये एक जब 2 पाई रखा तब आया, अब जीरो रखेंगे तो माइनस ऑफ जीरो रखना शुरू करते हैं, जीरो यहां पे रखेंगे तो कितना आएगा माइनस रूट टू एंड वन अपॉन रूट टू, जो कि है ऑलरेडी। ठीक है, यहां पे जीरो रखोगे तो जीरो ही हो गया, ओके यहां पे जीरो रखोगे तो वन अपॉन रूट टू, क्लियर बच्चों, देखो ये और ये कट जाएंगे, दोनों का सेम साइन है, बीच में माइनस है, क्लियर, ओके। अब ये और ये कट जाएगा, देखो वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू कट गया, तो सिर्फ ये बचा, इससे मैं लिख सकता हूँ रूट टू पाई, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, रूट टू पाई। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करें, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, देखिए क्या दिया है, लेट आई इज दिस, दैट इज जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और जे क्या है, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। देखो एक इंटरेस्टिंग वे में, इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस तरीके को, ठीक है, ये तरीका समझ आ जाना चाहिए अच्छे से। अब क्या कंप्यूट करना है, आई एंड जे, ये आई आई टी का क्वेश्चन है, कैसे करना था, देखो बहुत ईजी है, I पता है मुझे, J पता है, क्लियर है। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ कर रहा हूँ, जैसे देखो मैंने कहा यार जब नीचे ये लिखा हुआ है A cos x B sin x, अगर इसके ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन बन जाए तो मज़ा आ जाए, फिर तो मैं इसको T लेट कर सकता हूँ, या इसके ऊपर यही बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मज़ा आ जाए, आप समझ रहे हो, a cos x प्लस बी साइन एक्स अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में अगर a cos x प्लस बी साइन एक्स का मल्टीपल बन जाए तब भी मज़े हैं, और या उसका डिफ्रेंसिएशन बन जाए तब भी मज़े हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ही मज़े लेने जा रहा हूँ, वो देखिए ध्यान से, देखो ये क्या है, a cos x b साइन एक्स, इधर cos है इधर साइन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए आई प्लस बी जे कर रहा हूँ, क्या a टाइम्स ऑफ i एंड b टाइम्स ऑफ j, ओके रुक जाओ, ए आई एंड बी जे, ए की मल्टीप्लाई आई में की, बी की मल्टीप्लाई जे में की, और दोनों को ऐड कर दिया, लिमिट्स तो सेम है तो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज बता देंगे बाद में, ये समझ आता होगा तुम्हें, तो ये आ गया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डी एक्स। ऑलराइट, ये कट हो गया, वन आ गया, मतलब जीरो से पाई बाई टू वन डी एक्स, दैट इज पाई बाई टू, इसका आंसर कितना आ गया पाई बाई टू, मतलब समझे, ए आई प्लस बी जे की वैल्यू आई है पाई बाई टू, ओके। अब ध्यान से देखो, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों के सेम ही है, इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा,
तो ध्यान से देखो, ये आएगा माइनस ऑफ ए साइन एक्स और ये आएगा प्लस बी कॉस एक्स। तो कॉस के साथ बी की मल्टीप्लाई और साइन के साथ ए की मल्टीप्लाई और देन डिफरेंस, मतलब कॉस के साथ बी की मल्टीप्लाई, बी आई माइनस ए जे। मैं क्या कर रहा हूँ, बी आई माइनस ए जे। तो देखो बी आई मतलब बी कॉस एक्स और माइनस ए साइन एक्स, नीचे तो वही रहने वाला है। इससे क्या फायदा हुआ, जो नीचे है उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर बन गया। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ए कॉस एक्स का, देख लो ना, लेट ही कर लेते हैं। लो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस ए साइन एक्स, ये कितना आ जाएगा प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऑल राइट, तो बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स ये आ गया बच्चों, क्लियर है। ओके अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका नाम ये दे दिया डी टी। ध्यान से देखिएगा एक मिनट, ये आ गया डी टी और ये क्या हो गया नीचे वाला टी। लेकिन अब जो आपकी लिमिट्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे थी, ये तो x की थी, अब t आ गया है। तो एक बार x को ज़ीरो पुट करो इसमें, तो ये ज़ीरो और ये a आएगा a। अच्छा इस बार पाई बाई टू पुट करो, तो ये ज़ीरो आएगा और ये आएगा वन, तो यहाँ पे b हो जाएगा। तो ये आ गया ln t, दैट इज़ ln b बाई a। ln t पे आप क्या लगाओगे, a से b, तो ये आ जाएगा ln ऑफ b बाई a। तो देखिए मेरे पास दो इक्वेशन है, ए आई बी जे इज पाई बाई टू एंड बी आई ए जे इज एल एन बी बाई ए। तो अब इट इज़ लाइक ऐसा, ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू एल एन बी बाई ए। एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, तो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनमें से एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, तो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे अपने आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, और आई और जे की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इजीली किए जा सकते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देना है कि क्या होना चाहिए। नीचे अगर ये है तो ऊपर या तो इसी का मल्टीपल हो या इसका डिफ्रेंसिएशन बने। और मैंने देखा यहाँ पे कोस है यहाँ पे साइन है, तो दोनों को ऐड या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अच्छा रहेगा। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि अलग अलग दे रखे हैं और दोनों की वैल्यू निकालने को बोला है। अब एक बंदा इसे अलग से इसी में करना शुरू कर दिया उसने, मतलब समझो वो क्या कर रहा है, बस इसको अलग से सॉल्व कर रहा है, इसको अलग से सॉल्व कर रहा है, तो वो घूम जाएगा, प्रॉब्लम आएगी उसे। किया जा सकता है, लेकिन द बेस्ट वे इज दिस, इसको समझने की कोशिश करें। क्लियर है, तो इसे दिमाग में बसाए रखें कि हम ऐसा भी कुछ करते हैं। ऑल राइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके ओके बच्चों, एक दो इंपॉर्टेंट से पॉइंट देख लो जल्दी से। जैसे नंबर वन जो अभी यूज भी हुआ था कि एफ एक्स डी एक्स, देन बी से ए एफ एक्स डी एक्स होगा, ठीक है, अगर लिमिट को ऊपर नीचे चेंज कर देंगे तो ऐसे नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। ओके दूसरी चीज कि इफ, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लिखवा रहा हूँ बस ऐसे ही, कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो इफ बी इज ग्रेटर देन ए। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है और बी ग्रेटर देन ए है, मतलब छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ये आएगा इंटीग्रेशन वो पॉजिटिव आएगा, ये पता ही है तुम्हें, एरिया से रिलेट करके देख सकते हो इसे, ठीक है। ओके दूसरी चीज़ ऐसे समझो कि जैसे कोई इंटीग्रेशन हमने लिया, वन अपॉन एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐसे कुछ है, लेट्स से कुछ भी, ठीक है, या ऐसे मान लो कि वन प्लस जी एक्स ए से बी। क्लियर, तो मैंने क्या किया, अब जी एक्स को मैंने एफ एक्स के टर्म्स में चेंज किया, लेट्स से मान सकते हैं, ठीक है, जी एक्स को एफ एक्स के टर्म्स में चेंज किया कुछ ऐसे,
जो जी एक्स है ना वो कुछ ऐसे आ गया, एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स स्क्वेयर। लेट से मान लिया जी एक्स की एक अलग फॉर्म निकाली है मैंने, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, वन अपॉन बी डी एक्स, ये किस में चेंज हो गया ध्यान से देखना, ये चेंज हो गया एफ एक्स डी एक्स में, एंड ये आ गया टू प्लस एफ एक्स। ऑल राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स को ना टी मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, एफ एक्स को टी। तो एफ एक्स को आप टी तभी लेट कर सकते हैं जब जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस हो। इट कैन बी डन इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल ए टू बी। अगर एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है इन इंटरवल ए टू बी, तब आप ये सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कई बार जो फंक्शन दिया है वो तो कॉन्टिन्यूस है चलेगा, लेकिन जब आया अपने एफ एक्स को एक नई फॉर्म में चेंज किया तो वहाँ पे जो अब फंक्शन निकला है जो एफ एक्स है वो तो कॉन्टिन्यूस है नहीं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे, ये याद रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के तो से दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। एग्ज़ाम्पल कैसा है कि भाई जैसे ऐसे 5 माइनस टू कॉस एक्स एंड 0 से 2 पाई, लेट से क्या 0 से 2 पाई में इसका इंटीग्रेशन करना है, और हम बहुत अच्छे जानते हैं ये a प्लस बी कॉस एक्स वाली फॉर्म है, इसमें कॉस एक्स को हम टेन एक्स बाई टू हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऐसे कुछ डी एक्स, और यहाँ पे लिख दूंगा 5 माइनस टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये सबको पता है अच्छे से। फिर मैं आ जाऊँगा ऐसे कि भाई इसे यहाँ पे 5 माइनस टू दैट इज़ थ्री और ये 5 प्लस टू दैट इज़ सेवन, ठीक है, ये कितना 2 और ये 5, तो 5 प्लस टू सेवन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को बोल सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स बाई टू, क्लियर। अब दिमाग में सीधा आएगा कि भाई टेन एक्स बाई टू को ना t लेट कर लो, यहाँ पे क्या है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई एंड 0 से 2 पाई, तो अब मेरे दिमाग में आया sin x बाई टू को t लेट कर लो, ठीक है। रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेप है, मैंने लिख दिया रॉन्ग स्टेप। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 0 से 2 पाई में tan x बाई टू कॉन्टिन्यूस नहीं है। जब बच्चों x पाई होगा, x कितना होगा पाई, तो tan कितना होगा पाई बाई टू, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, मतलब एट x इक्वल टू पाई इट इज डिसकॉन्टिन्यूस, तो यू कैन नॉट यूज दिस, आप ऐसे कुछ यूज नहीं कर सकते, ये बात याद रखें, ठीक है। करोगे तो गलत आएगा आंसर, तो कैसे करें, तो भाई या तो ऐसे कर लो, बताया था तुम्हें लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, जीरो से पाई sec स्क्वायर एक्स बाई टू, पाई नेगेटिव मतलब नेगेटिव पाई नहीं, पाई नेगेटिव मतलब पाई से हल्का सा छोटा, थ्री प्लस सेवन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पाई पॉजिटिव मतलब पाई से हल्का सा ज्यादा, से टू पाई, ठीक है टू पाई। अब ऐसे लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, डी एक्स, क्लियर। अब आप क्या कर सकते हो, अब नाउ सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी इज वैलिड, ठीक है, यहां लिख दे इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है इस सिचुएशन में, क्योंकि 0 से 2 पाई में tan x बाई टू कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसे लिख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैलिड हो गया क्योंकि मैंने लिमिट को कर दिया ब्रेक, ब्रेक करना वो सिखाया था आपको, अगर फंक्शन कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूस हो तो ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने ब्रेक कर लिया, अब सब्स्टिट्यूशन चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये गलती हो जाती है कई बार, हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे थे 0 से 2 पाई में जो कि कॉन्टिन्यूस है,
लेकिन इसे मैंने ऐसी फॉर्म में चेंज कर लिया जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, तो आप क्या करें, ब्रेक करें लिमिट्स को, ब्रेक करके तब सॉल्व कर लें इसे। क्लियर बच्चो? देन कॉपी इट फास्ट। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अभी फिर से हम कुछ क्वेश्चंस के साथ हैं। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिर से हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको जल्दी से करते हैं, जल्दी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ऑल राइट, तो देखिए, 2 to 3 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे करें, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। डेफिनेट, सॉरी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया है, पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस वन। बात समझ गए? एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो अब आपको बहुत अच्छे पता है कि यहाँ पे जो लीनियर फंक्शन होता है, इसे 1/t पुट कर देता है, तो क्या आ गया ये, माइनस ऑफ दिस डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर डी टी। ऑल राइट, यहाँ पे पुट करेंगे अब। तो मैंने कहा लो, x माइनस वन की जगह 1/t, यहाँ पे 1/t स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये डी टी है, यहाँ पे आ गया, वन लिखो यहाँ पे, तो डी टी को चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब देखो ध्यान से, यहाँ से टी बाहर आएगा और बनेगा टी स्क्वायर, और ये अपना वही लिखा हुआ है कि पावर 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लिया है, टी बाहर आया है, टी स्क्वायर यहाँ पे है दिस, तो ये कट हो गया और बन गया अब हमारे पास फाइनली माइनस बाहर है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t². अब ज़रूरत है भाई लिमिट, लिमिट को भी तो देखना है हमें। क्लियर? तो लिमिट को कैसे देखें, देखो जैसे 2 से 3 है, तो x को 2 डालो तो कितना आएगा, 1। ऑल राइट, 3 डालो तो कितना आएगा, 2, तो t कितना आएगा, 1/2। t कितना आएगा, 1/2, तो 1 से 1/2, सिमिलरली 1 से 1/2। ऑल राइट बच्चों, तो याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था कि इसे गोल घुमा दो तो माइनस हट जाएगा, बताया था ना, आगे प्रॉपर्टी भी डिस्कस करूंगा। जैसे 1 से 1/2 है तो लिख दो 1/2 से 1, और बाहर लगा दो माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर? तो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। फिर ये आएगा साइन इनवर्स टी 1/2 to 1, तो ये आएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2, वो कितना होगा, π/6। ऑब्वियसली बात समझ आई क्या? तो ये कितना हो गया, ये हो गया π/3, तो आंसर इज π/3। तो वेरी सिंपल, ठीक है? तो नेक्स्ट पे जल्दी से मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा ये किस टाइप की फॉर्म है। देखो ध्यान से, ये क्या है, 0 to π/2 डी एक्स 1 + cos θ एंड cos x। देखो cos थीटा जो लिखा हुआ है, बिना बात लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो जो ये cos थीटा लिखा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो एक कॉन्स्टेंट है, इसे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कीजिए, ठीक है? तो मैंने कहा कि मान लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ पे अल्फा लिखूंगा मैं, इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। और तुम्हें अब पता है, इट इज़ लाइक ए प्लस बी साइन एक्स, या ए प्लस बी cos एक्स, उस टाइप का फंक्शन है डिनोमिनेटर में। तो ऐसे में क्या करते हैं, cos और sin जो है उनको tan में चेंज करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 - tan² 1 + tan² जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ऊपर, टेन स्क्वायर बीटा मान लो इसे, सॉरी बीटा क्यों, x/2 ही आएगा ना, ये तो बिल्कुल x/2, और यहाँ पे आएगा 1 + tan² x/2 + cos θ 1 - tan² x/2। बच्चों ऐसा कुछ बन जाएगा जब cos x को आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के tan की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan x/2 को t पुट कर रहा हूँ, तो ये आएगा 1/2 sec² x/2 dx is equal to dt। क्लियर? ओके,
अब देखो ये क्या लिखा है, 1 + tan² x / 2, दैट इज sec² x / 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा बस और कुछ नहीं। तो मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ, ये 2 को बाहर ले लो, ये हो गया dt, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 + t² एंड cos थीटा 1 - t² बच्चों। ऑल राइट, चलिए लिमिट को भी अरेंज कर लेते हैं। चलो 0 डालोगे तो 0 और पाई बाय 2 डालोगे तो 1, क्योंकि पाई बाय 4 हो जाएगा। ऑल राइट, तो अब मैंने क्या किया, कंबाइंड किया थोड़ा सा चीजों को, जैसे 1 + cos थीटा इसको एक साथ लिया और टी स्क्वायर वालों को एक साथ लिया, दैट इज 1 - cos थीटा। ठीक है, 1 + cos थीटा को एक साथ लिया, 1 - cos थीटा को एक साथ, क्लियर है। ऑल राइट, अब देखिए ये किसका क्या लग रहा है, मतलब ये किस टाइप का लग रहा है, ये लग रहा है tan इनवर्स x, मतलब 1/1 + x² टाइप, या 1/a² + x², तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² कितना होता है, a² + x², दैट इज 1/a tan inverse x / a। बात क्लियर है सबको, 1/a tan inverse x / a। तो बच्चों जल्दी से रिकनेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो हम यहां पे थे इस स्टेप पे, तो 2 0 to 1 dt, 1 + cos थीटा + t² 1 - cos थीटा, राइट। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये किसका इंटीग्रेशन है, इट इज लाइक इनवर्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² या 1 + a² + x², है ना। तो क्या होता है, 1/a tan inverse x / a। ठीक, तो अब इसमें मैं कैसे करूंगा, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं कि इसको कॉमन लेके आ रहा हूं बाहर, ये आएगा 1 - cos थीटा 0 से 1। अब देखो इसे मैं कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा √1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा। वैसे मैं इसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बाद में करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर कर दिया, प्लस में क्या है t². तो फाइनली मुझे क्या मिलने जा रहा है, 2/1 - cos थीटा तो ऑलरेडी चल रहा है, अब इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/a tan inverse x / a, तो दैट इज 1/a मतलब ये cos थीटा और 1 + cos थीटा। ऑल राइट, तो 1/a tan inverse x / a, x कितना है t है, एंड 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन तो कुछ ऐसा होगा। अब देखो इसे ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इतना ऑड लग रहा है, तो भाई 1 - cos थीटा क्या लिख सकता हूँ, 2 sin² थीटा / 2, और इसे 2 cos² थीटा / 2, ये क्या आ गया 10 थीटा / 2 आ गया क्या, नहीं। तो जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और 1 - cos थीटा को भी अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे 1 - cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin² थीटा / 2 into इसकी वैल्यू आई है 10 थीटा / 2, ओके, एंड 10 inverse t / 10 θ/2, लिमिट है 0 से लेके 1 तक, लिमिट है बच्चों क्या 0 से लेके 1 तक। ठीक है, ओके, 2 से 2 कट गया, तो ये तो चलने दो ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा cosec² या cosec³ कर लो, cosec³ θ/2 into cos θ/2, मतलब जो 10 है उसे sin और cos में लिख लिया है, sin sin कंबाइन हो गए तो क्यूबिक क्यूब बना लिया, ऊपर जाके cosec हो गया, और इसका जो cos था वो गोल घूम के ऊपर आ गया cos θ/2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब मैं इसमें लिमिट लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें आएगा 10 inverse, देखो बच्चों आएगा क्या cot θ/2, 10 inverse क्या cot θ/2 -10 inverse 0, दैट इज 0, क्या दैट इज 0। अब 10 inverse cot θ/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये आ गया थीटा, ये आ गया π/2 -cot inverse cot θ/2 बच्चों, लिख सकता हूँ कि नहीं, यस, तो ये θ/2 आ जाएगा,
कॉस थीटा बाई टू और ये आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। तो फाइनली आंसर शुड बी दिस, आई होप सो। बिल्कुल आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, थीटा ही फॉर्म में आएगा, ऑब्वियसली थीटा ही फॉर्म में आएगा आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक। और देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बात अलग है, अदरवाइज यही आंसर आएगा। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई है, जैसे यहाँ पे ये था वन प्लस और ये है वन माइनस, मैंने यहाँ पे प्लस लिखना था और यहाँ पे माइनस लिखना था, सही है ना? और ये तो माइनस है, ठीक है चल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आना था प्लस और यहाँ क्या आना था माइनस, प्लस माइनस हर जगह ऐसा ही। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इस बार बन जाएगा कॉट थीटा बाई टू। देखो साइन से साइन कटेगा, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें साइन से साइन कटेगा और टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, दैट इज टू कोसेक टू थीटा, सॉरी थीटा कोसेक थीटा लिख सकता हूँ मैं इसे, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू दैट इज साइन थीटा, ऊपर जाके कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, टू से टू कट नहीं किया यहाँ पे मैंने। ऑल राइट, यहाँ पे जो टेन थीटा बाई टू लिखा था यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा बाई टू, ऊपर जाके बनेगा वो टेन थीटा बाई टू। ऑल राइट, अब ऐसा है तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आ गया क्या अपना थीटा बाई टू, तो ये आ जाना चाहिए बच्चों थीटा बाई टू। क्लियर? तो ये हो गया, वो तो कैलकुलेशन की बात है, वो मिस हुआ है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। यहां पे क्या आना चाहिए था कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और यहां पे आना चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये बन जाएगा क्या कॉट थीटा बाई टू। ऑल राइट, तो जल्दी से पॉज करके इसको उतारें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या कह रहा है, ये 0 to 3 x 3 - x dx। क्लियर? तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, तुम्हें पता ही है। ऐसे में क्या करना चाहिए, x को इस टाइप से मान लो 3 साइन स्क्वायर थीटा, x को लेट कर लिया 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो ये आएगा 6, छोड़ो 3 साइन 2 थीटा डी थीटा, क्या 3 साइन 2 थीटा डी थीटा, यहाँ तक तो क्लियर है। देख लेते हैं कुछ फ़ायदा हो जाए तो अच्छा ही है। 0 से 3, सॉरी लिमिट तो आई डोंट नो अभी तो फिलहाल यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रखने जा रहा हूँ। तो ये बनेगा रूट 3 साइन थीटा ऊपर, और नीचे जब मैं इसको पुट करूँगा तो रूट 3 तो बाहर आ जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है 3 साइन 2 थीटा डी थीटा। ऑल राइट, चलिए रूट 3 से रूट 3 गया और ये 3 को मैंने बाहर ले लिया। अब देखो ये क्या है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को वही वापस से मैं वही लिख रहा हूँ जहाँ से ही आया है, साइन 2 थीटा को लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मुझे कॉस थीटा कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो बाहर आ गया 6 ध्यान से देखोगे तो, और ऊपर बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ओनली, सही है या नहीं? ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, बस बातें खत्म हो गई। अच्छा अब लिमिट्स लगा लेते हैं, चलो 0, एक्स को 0 डालोगे तो थीटा भी 0 आएगा, एक्स को 1 डालोगे तो थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब पाई बाई टू। तो बच्चों 0 से पाई बाई टू एंड 0 से पाई बाई टू, क्लियर है? अच्छा इसे मैं इंटीग्रेशन के, मैं डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकता हूँ लेकिन इंटीग्रेशन के हेल्प से ही करूँगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, मैं इसे कॉस 2 थीटा में चेंज करता हूँ, याद है? इसे मैं चेंज करूँगा कॉस 2 थीटा बाय 2 में, तो बाय 2 आ गया बाहर और यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जिससे तुम्हें वो चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। चलो यहाँ पे आ गया पाई बाय 2, देखो इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, इसका आएगा 1 बाय 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। चलो इसे भी ऐसे लिख लो अभी फिलहाल थीटा, एंड 0 से पाई बाई 2 मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ एंड आई विल गेट व्हाट, यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 4, क्लियर है कि मेरी बात, सॉरी पाई साइन पाई 0 हो जाएगा, फिर जब 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो ये देखो कितना आ गया 3 पाई बाई 2,
कितना आ गया बच्चों, 3π/2। ऑल राइट, समझ आई कहानी? ठीक है, तो बिल्कुल इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना आया, इसका इसका इंटीग्रेशन कितना है, पाई बाई फोर होता है। जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, दिस शुड बी पाई बाई फोर। ऑल राइट, तो जल्दी से इसको उतार लें।